हेलो फ्रेंड्स, न्यू हेल्दी किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज न्यू तरीके से बनाते हैं सभी का मनपसंद नाश्ता। तो इसके लिए मैंने लिया है 6 कच्चे अंडे, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया और बारीक कटे हुए प्याज। और इसके लिए मैंने लिया है 3 रोटियां। तो चलिए अब चलते हैं बनाने। तो 2 अंडे को ऐसे फोड़ करके एक कटोरी में रख लेना है। एक रोटी में 2 अंडे हम डालेंगे। अब इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 1 चम्मच शिमला मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया और थोड़ा सा हम हरी मिर्च डालेंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। खूब अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इधर गरम तवे पे रोटी को रखेंगे। तो ऐसे पलटेंगे तो रोटी थोड़ा सा फूल जाएगी। तो जैसे ही फूलना स्टार्ट होगा, हम पलट करके इसको बीच से थोड़ा सा फोड़ेंगे और इसमें अंडे के मिश्रण को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके डालना है। सभी मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। अब इसको किनारे से तेल डालेंगे। तो मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं। अब इसको छोलनी की सहायता से हम पलटते हुए सेकेंगे। तो पलटने के बाद हम इधर से भी चम्मच की सहायता से तेल डालेंगे और इसको दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, नहीं तो रोटी जो है जल जाएगी। तो देखिए, बन करके हो गया है तैयार। तो अब दूसरी रोटी भी बनाते हैं। इसको भी वैसे ही फोड़ करके, अगर गर्म लगे तो फ्रेंड्स ऐसे चाकू की सहायता से भी फोड़ सकती हैं। और इसमें मिश्रण को डालना है। और साइड से तेल डालते हुए पलटते हुए हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब ऑमलेट बन करके तैयार हो जाएगी तो रोटी दोनों तरफ से फूल करके मोटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सभी रोटी ऑमलेट बन करके हो गई है बिल्कुल रेडी। तो चलिए सर्व करते हैं और बताइएगा कि कैसे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको कट करके देखते हैं कि ऑमलेट कैसा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ऑमलेट पूरी तरह से बन के हो गया है रेडी। तो इसको अब ऐसे कट कर देंगे और कट करके हम सभी को सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।